हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फ्राइड वंस। आज मैं आपके लिए बहुत ही टेस्टी और बहुत ही इजीली बनने वाली सेवई की रेसिपी लेकर आई हूँ। तो चलिए मैं इसे आपको बिल्कुल आसान तरीके से बनाना बताऊँगी। यहाँ पे मैंने दूध लिया है जिसे मैंने उबलने के लिए रख दिया है गैस पर। इसके अलावा मैंने सेवई, नॉर्मल जो हमें मार्केट में सेवई मिलती है वो, कुछ ड्राई फ्रूट्स और एक कटोरी शक्कर ली है। इसके बाद हम एक पैन लेंगे जिसमें मैंने यहाँ पर घी का यूज़ किया हुआ है। घी से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है उसमें। अगर आपके पास नहीं है तो आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए, जब हमारा घी मेल्ट हो जाए तब मैं इसमें जो ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, यहाँ पे मैंने काजू और किशमिश का यूज़ किया हुआ है। अगर आप चाहें तो और भी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। अब हम इसे 1 से 2 मिनट तक बिल्कुल अच्छे से मीडियम फ्लेम पर भूनेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये बिल्कुल अच्छे से भून चुका है। मैं इसे निकाल लूँगी प्लेट पर। फिर उसी पैन पर हम जो हमारा सेवई है उसे अच्छे से गोल्डन होते तक भूनेंगे। आप इसको बिल्कुल हल्के हाथों से धीरे धीरे करके घी में अच्छे से मिक्स कर लीजिए। इससे इसका जो फ्लेवर बहुत ही अच्छा हो जाता है। देखिए, मैं इसे बीच बीच में बिल्कुल चलाती रहूँगी ताकि ये सब तरफ से अच्छे से गोल्डन हो सके। देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो सेवई बिल्कुल अच्छे से भुन चुका है और हमारा जो दूध है वो भी बिल्कुल अच्छे से बॉयल हो चुका है। तो चलिए अब हम जो सेवई है उसको दूध में ऐड करेंगे। दूध में ऐड करने के बाद इसको हम बिल्कुल अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए, ये बहुत ही आसान है और बहुत ही टेस्टी। इसका जो टेस्ट रहता है वो बहुत ही अच्छा होता है। आप इसको ज़रूर ट्राई करें। चलिए अब हम इसे 2 से 3 मिनट तक उबलने देंगे। देखिए दोस्तों, 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ शक्कर। वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, कम या फिर ज़्यादा। चलिए, तो अब हम ये बिल्कुल अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर से हम इसे लगभग 1.5 से 2 मिनट तक उबल लेंगे। देखिए दोस्तों, ये बिल्कुल अच्छे से बॉयल हो चुका है। आप देख सकते हैं इसकी थिकनेस भी थोड़ी ज़्यादा हो गई है। तो अब मैं इसमें ऐड कर दी हूँ ड्राई फ्रूट्स जो मैंने भून कर रखे थे। ड्राई फ्रूट को हल्के से भून लेने से उसका भी जो टेस्ट है बहुत ही अच्छा हो जाता है। देखिए, हमारा जो सेवई है बिल्कुल तैयार है। तो चलिए इसे हम सर्व करते हैं। आपको मेरी ये रेसिपी कैसे लगी प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। घर पर एक बार ट्राई करें, पसंद आए तो लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।